तो गाइस यहाँ पे एक गुफा है, उसके अंदर भी चलते हैं। कहते हैं उसके अंदर पानी रहता है। यहाँ पे आता है गाइस थोड़ा पानी, ये देख लीजिए यहाँ पे पानी भरा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है पानी के अंदर चलने के लिए, ये देख लीजिए। तो गाइस ये है शेर का मुंह और इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा क्योंकि मंदिर के अंदर जाने का रास्ता यही है। तो गाइस आप मेरे पीछे वैष्णो माता जी का मंदिर देख सकते हैं। तो वीडियो के अंदर एंड तक रहिए, आपको कराएंगे इस मंदिर के दर्शन और बीकानेर के अंदर है ये मंदिर। तो गाइस आज हम आ चुके हैं बीकानेर के अंदर और यहाँ पर वैष्णो धाम है, तो आपको इसका दर्शन कराते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर है ये वैष्णो धाम जो ओरिजिनल है वो, तो और इसके अंदर पहाड़ भी बनाया गया है। तो आपने ऐसे तो बहुत ज़्यादा पहाड़ देखे होंगे जो भगवान ने बनाए हैं कुदरत ने, और ये पहले ऐसा पहाड़ है जो इंसानों ने बनाया है। तो यहाँ पर मूर्ति है, मैं आपको दिखा देता हूँ हनुमान जी की, काफ़ी बड़ी, तो इनके दर्शन कर लीजिए आप। और एक इधर है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा भक्त यहाँ पर आते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हो एक मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है, ये भी काफ़ी विशाल है। और यहाँ पर दो शेर भी लगाए गए हैं और यहाँ पर पूरा पार्क है, देखिए काफ़ी भक्त बैठे हैं। तो गाइस ये है शेर का मुंह और इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा क्योंकि मंदिर के अंदर जाने का रास्ता यही है। एक रास्ता ये भी है पर ये रास्ता सबसे अच्छा है। तो चलते हैं शेर के मुंह के अंदर। तो गाइस जैसा कुछ ये मुंह है, इसके अंदर से हमें जाना पड़ता है और सामने ही आपको गणेश जी के दर्शन हो जाते हैं। और ये जो पहाड़ है ये इंसानों ने बनाया था, ये देख लीजिए यहाँ पर गणेश जी की तस्वीर है। और ऐसा कुछ यहाँ पर पार्क है, तो यहाँ भी काफ़ी सारी तस्वीर लगे हुई हैं, तो देख लीजिए। और अब चलते हैं आगे। तो गाइस ये खाटू श्याम जी का मंदिर स्टार्टिंग में, देख लीजिए इनके दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर घोड़े वगैरह हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो अब आगे चलते हैं और आगे ये वैष्णो देवी जी हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए आप। तो काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। और इससे आगे चलते हैं, ये महादेव जी का मंदिर, तो देख लीजिए ये पूरा कांच का बना हुआ है। और अब चलते हैं पहाड़ की तरफ। तो गाइस यहाँ पर एक शिव परिवार है, तो उनके भी आपको दर्शन करा देते हैं। तो ये देखिए ऐसा कुछ बना हुआ है, तो चलते हैं और इनके दर्शन करा लेते हैं आपको। तो गाइस ये है शिवलिंग और यहाँ पर आपको कार्तिक जी, गणेश जी और पार्वती माता जी की तस्वीर लगी हुई मिलेगी। और यहाँ पर शिवलिंग पर हमेशा पानी गिरता रहता है। और ये है नांदिया जी, तो चलते हैं यहाँ से बाहर। तो गाइस बीकानेर के अंदर है ये मंदिर। तो गाइस ये जो मंदिर है 25 साल पुराना है और ऐसे कुछ बेल लगाई गई यहाँ पर, तो देख लीजिए पूरा इंसानों ने बनाया है। ऐसे कुछ यहाँ पे फुहारे वगैरह चलते हैं शाम को, अभी तो धूप है बहुत ज़्यादा तो काफ़ी कम लोग आते हैं। और यहाँ पे ऊपर से पानी आता है वो शाम को चालू होता है। और हम चलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पर एक मंदिर और है, उनके भी आपको दर्शन करा देते हैं। देखिए काफ़ी हरी भरी जगह है, यहाँ से हम आए थे अंदर। और यहाँ पर एक मंदिर है, इनके भी आपको दर्शन करा देते हैं, माता जी का मंदिर है। तो अब चलते हैं ऊपर और ऊपर से आपको दिखाते हैं। तो ऐसा कुछ रास्ता है गाइस यहाँ पे, ये देख लीजिए ये पहाड़ नहीं है, ये जो रोड टाइप की बनाई गई है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक पेंटिंग मिल जाएगी। और यहाँ से फिर आगे चलते हैं हम, और देख लीजिए काफ़ी हाइट पर और काफ़ी ज़्यादा भक्त यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ से हमें ये एक मंदिर है, इनके भी आपको दर्शन करा दें। ये भी माता जी का मंदिर है, अब किन माता का वो तो मेरे को पता नहीं। तो यहाँ से फिर चलते हैं आगे। तो ऐसा है, ये देख लीजिए पहाड़ जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे लाइटें वगैरह लगाई गई है शाम को, यहाँ पर जब ये जलाते हैं तो बहुत अच्छी जो है यहाँ पर नज़ारा आता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये पूरा मंदिर है और सामने इसके रोड है। और ये जो मंदिर मैंने आपको दर्शन कराए, अब आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ से फिर हम टर्न लेते हैं और ऐसा कुछ रास्ता है, ये जो है जम्मू के अंदर है जो मेन मंदिर है उसकी ही कॉपी की गई यहाँ पर पूरी।
यहाँ पे हमें एक मंदिर और दिखाई दे गया है। ज़्यादा मंदिर है, बहुत ज़्यादा। हम काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हो ये गणेश जी की मूर्ति मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में। तो गाइस जिधर से जाती है गुफा, ये देख लीजिए, तो इधर से जाती है गुफा। गुफा के अंदर से चलते हैं। यहाँ पर शिव जी की तस्वीर लगाई गई है और यहाँ पर हनुमान जी की। तो गाइस ऐसी कुछ गुफा है, ये देख लीजिए, लाइटें वगैरह लगाई हुई है। ये करनी माता जी है, ये शेरा वाली माता जी, और ये भी शेरा वाली माता जी, और ये हनुमान जी। तो गाइस यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है, मेरे को झुक के जाना पड़ेगा। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो गाइस ऐसा कुछ है, ये गुफा जो बनाई गई है ऐसी है। यहाँ पे देखिए ये पत्थर से निकाले गए हैं और ये इतनी काफ़ी छोटी है ये। तो चलते हैं बाहर, काफ़ी ज़्यादा सकड़ी है गाइस ये गुफा, तो इससे बाहर निकलते हैं। तो गाइस हम बाहर निकल चुके हैं, यहाँ से हम एंटर हुए थे और यहाँ से एग्जिट हुए थे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा भक्त यहाँ पर आते रहते हैं। और ये है मेन शिव जी की मूर्ति, तो इसके भी आपको दर्शन करा देते हैं। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा भक्त यहाँ पे आए हुए हैं और ये है शिव जी की तस्वीर, ये आप देख सकते हो, ये शिव जी की तस्वीर, इनके दर्शन कर लीजिए, काफ़ी बड़ी है। तो गाइस अब चलते हैं आगे। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भक्त यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो गाइस अब मंदिर के नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे मंदिर है, यहाँ पर एक मंदिर और है। तो एक मंदिर ये है, ये देख लीजिए। तो गाइस ये भैरव जी का मंदिर, आप दर्शन कर लीजिए। तो गाइस अब चलते हैं नीचे, यहाँ पर काम चल रहा है, ये देख लीजिए। और यहाँ से अब हम नीचे चलते हैं। ये देखिए पूरा इसके ऊपर बनाया हुआ, ये दीवार वगैरह बनाई हुई है, इसके ऊपर पूरा बना हुआ ये। तो यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है नीचे, यहाँ पर सीढ़ियाँ चालू हो गई। और आपको दिखा देता हूँ अंदर से ये कैसा है, देखिए नीचे से ऐसा पूरा खोखला है ये, ये देख लीजिए ऐसा बनाया गया है पूरा। और ऊपर ये पूरा पहाड़ दिखाई देता है आपको, ये देख लीजिए। तो यहाँ से चलते हैं हम नीचे, काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ आ गई है। तो गाइस यहाँ पे एक गुफा है, उसके अंदर भी चलते हैं, कहते हैं उसके अंदर पानी रहता है। तो चलते हैं और उसके अंदर भी आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं पूरा। तो गाइस यहाँ से जाती है सीढ़ियाँ इस गुफा के अंदर, ये देख लीजिए। और यहाँ पे ये पूरा पहाड़ टाइप का बनाया गया है, तो जैसा जम्मू कश्मीर के अंदर है वैसा ही पूरा बनाया गया है ये। और यहाँ से होती है इस गुफा की शुरुआत। यहाँ पे लाइट मेरे को ऑन करनी पड़ेगी। और यहाँ से आता है पानी, तो चलते हैं। अभी तो पानी मेरे को नज़र नहीं आ रहा, शायद तक अभी पानी नहीं डाला गया है। तो अभी देख लीजिए ये पूरी सूखी है, हो सकता है कि आगे पानी मिले, तो वैसा कुछ है। देख लीजिए पूरा ऊपर पहाड़ टाइप का बनाया गया है और ये है गुफा। तो गाइस अभी तो इसमें पानी नहीं है और काफ़ी बार पानी होता है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा पानी है, देख लीजिए यहाँ पे आता है गाइस थोड़ा पानी, ये देख लीजिए यहाँ पे पानी भरा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है पानी के अंदर चलने के लिए, ये देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी सारा पानी है। और ये रोशनी आने के लिए छोड़ा गया है। और यहाँ से हम आए हैं, देख लीजिए लाइट वगैरह है। और यहाँ पे ये शिवलिंग है काफ़ी सारे, और यहाँ पर ये काफ़ी सारे लोगों ने रक्षाबंधन को रखी यहाँ पे बांधते हैं, ऊपर लाइट है। तो गाइस यहाँ पे बड़ी सावधानी से जाना पड़ेगा क्योंकि पैर फिसल रहे हैं हमारे। और एक मंदिर यहाँ पर है, तो ये वैष्णो देवी जी है पिंडी रूप में, इनके दर्शन कर लीजिए आप। और ऐसा कुछ मंदिर है, यहाँ से हम आए थे गुफा के अंदर से, आपने देख लिया।
और यहाँ से अब चलेंगे बाहर। तो देखिए ऐसे मंदिर को सजाया हुआ है पूरा, और 25 साल पुराना ये मंदिर। यहाँ से निकलते हैं बाहर, तो ये है पूरी गुफा। और अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है। और ये है पूरा जहाँ से हम आए थे, ये पूरा बनाया गया है जो इंसानों के द्वारा, और ये पहाड़ की तरह दिखता है। और यहाँ पर हमको मूर्ति दिख जाती है। तो गाइस ये तो काली माता की मूर्ति, काफ़ी बड़ी मूर्ति है, ये देख लीजिए काली माता की मूर्ति। और ये लक्ष्मी माता जी की आप देख लीजिए, और ये सरस्वती माता जी की। तो यहाँ पर पानी भरा जाता है, पर अभी तो यहाँ पर पानी नहीं है, सिर्फ ये मूर्तियाँ हैं। तो गाइस यहाँ से बाहर जाने के लिए ये जो पहाड़ है जिसके ऊपर मैं आपको लेके गया था, ये पीछे से ऐसा दिखता है, आगे से ये पूरा पहाड़ है। ये ऐसे गुफा सीख है ये वाली गुफा, तो इसके अंदर से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये यहाँ से निकलने के लिए है, और जहाँ से हमने एंट्री ली थी वो वहाँ से आने के लिए। तो यहाँ पर देखिए गुफा में, यहाँ पे इस गुफा के अंदर काफ़ी दुकानें खोल रखी है, तो देख लीजिए यहाँ पर दुकानें हैं। और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये, और ऊपर से है कुछ, तो काफ़ी बड़ा मंदिर है वैष्णो देवी जी का, तो देख लीजिए। और ऐसा कुछ बनाया गया है बीच में, यहाँ पर कई रूम भी है ये देख लीजिए। और ये जो पानी मैंने आपको दिखाया था, ये शाम को चलता है पूरा, ऐसा कुछ पेड़ है यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी सारे रूम है जो यहाँ के कर्मचारी है वो रहते हैं। तो गाइस जैसा कुछ ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, और ये है वो पहाड़ जो मैंने आपको दिखाया। तो गाइस आज हमने आपको दिखाया वैष्णो देवी माता जी का मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर माना जाता है, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर रियल में है, और यहाँ पर बीकानेर के अंदर ये मंदिर बनाया गया है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।